आधा पेट भोजन करो, बोरे की तरह भरो मत। बोरे को फिर ऐसे ऐसे हिलाते हैं और फिर उसमें भरना शुरू करते हैं। ऐसी कभी कभी खाने वाले भी, सब्जी तो भाभी जी बड़ी अच्छी बनाई, थोड़ी सी एक रोटी और दी तो खानी पड़ेगी। शरीर के जितने भी अंग बड़े ईमानदार हैं, अगर चींटी बैठ जाए तो उसी समय वो बता देगा कि इस जगह पर बैठी। लेकिन सबसे ज्यादा धोखेबाज आपका पेट है। ये जिस समय आप खाना शुरू करते हो ना, तो जीभ कहती है बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। पेट कहते खा लो बेटा, कोई बात नहीं खा लो, और आप खाते जाओ खाते जाओ। 20 मिनट बाद आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन भेजेगा, बेटा आज तूने ज्यादा खा लिया है। 20 मिनट बाद आपको पता लगेगा कि बेटा अरे जा, अब नहीं चला जाएगा। इसलिए भोजन आधा पेट कर और दुगना पानी पियो, उससे दुगना पानी पियो। धरती में मशीन जब चलाई जाती है खोदने वाली, तो उसमें ऊपर से पानी डाला जाता है ताकि क्लाउडी होता जाए। इसलिए उसके लिए भोजन दुगना पानी पी और तिगुना वर्क हार्ड थ्री टाइम मोर, तीन गुना अधिक परिश्रम करो। माताओं, जो गाड़ियां चलती नहीं है वो गाड़ियां गैरेज में ही खराब हो जाती है खड़े। ये नहीं कि बहू आ गई अभी 40 वर्ष की, अब तो बहू आ गई वो सब करेगी, हम तो बुढ़े हो गए। तो सही में तुम बुढ़े हो जाओगे। इसलिए जो माताएं फिर भी चलती फुरती रहती हैं, तो उनका चकाचक सब ठीक रहता है। भोजन आधा पेट कर, दुगना पानी पियो, तिगुना सिम चौगुना हसी, और चौगुना अधिक हंसो। अमेरिका की तरह नहीं, इंडिया की तरह। अमेरिका वाले तो कंप्यूटर की तरह, ऐसे कंप्यूटर में जैसे ऐसे कर देते हैं, ऐसे एक मिनट में उनका मुंह बिगड़ जाता है। और भारत में जब हंसते हैं तो कैसे मतलब अच्छे ठाके, बिकॉज लाफिंग इज ऑल्सो गुड एक्सरसाइज। तो कहने का मतलब ये, पर किसी किसी को चेहरा भगवान ने ऐसा दिया है कि 24 घंटे उनके चेहरे पर 12 बजे रहते, जब भी देखो तभी मुख लटका के बैठे रहेंगे। रोनिश पूछ दो भाई साहब के, स्वामी जी कट रहे, तो भगवान सोचते देखो इस नालायक को कितना दिया और कैसी रोनी सूरत लेके बैठा है, इसको देने से कोई फायदा नहीं। जाते रो अब तो बैठ गई, और नहीं भी कुछ दिया तो भी तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तो भगवान कहते हैं अच्छा इसको, और उसका कुछ अंश ठाकुर जी की सेवा में लगा। तो महाराज बड़ी सुंदर कृपा हुई, महाराज मनु समीप आए बहुबारा, भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि पहला वरदान तो मेरा ये है कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। अब वो निर्गुण निराकार था, ब्रह्मा विष्णु महेश तो दिख गए, लेकिन उसने मांग मांग वर भई नववाणी, आकाश से वाणी हुई। नव कहाँ है, चारों तरफ, इधर से भी आवाज उधर से भी आवाज चारों तरफ। बोले मैं पहले देखना चाहता हूँ। अब भगवान ने कहा मेरा कोई स्वरूप है ही नहीं, अगर मेरा कोई स्वरूप निर्गुण नाम न रूप स्वरूप होता तो मैं दिखा देता। बोले नहीं मैं तो आपको देखना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ। तो बोले देखना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि फिर मेरा तो कोई रूप है ही नहीं। तो फिर भगवान ने कहा कि फिर एक काम करो, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा यो यो याम याम तनुम भक्त्या श्रद्धा अर्चतुम इच्छति तस्य तस्या चलाम श्रद्धाम तामेव विदत। जो आप बता दो तो किस रूप में देखना चाहते हो, राम के रूप में देखना चाहते हो तो मैं राम रूप में आ जाऊंगा, कृष्ण रूप में आना चाहते हो तो कृष्ण के रूप में आ जाऊंगा, जो आप चाहो उस रूप में आ जाऊंगा। मनु ने कहा कि मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं, तो मैं कैसे बता दूं कि आपका सही रूप क्या है। मैं अभी बता दूं और आप कह दोगे कि आपने जो कहा था मैं उस रूप में आ गया। मनु भी कच्ची गोटी खेले हुए नहीं थे, बड़े समझदार थे, भगवान से लोहा लिया। भगवान ने कहा कि मैं तो निर्गुण हूँ निराकार हूँ, मेरा तो कोई स्वरूप है नहीं, तो मैं कैसे आ जाऊँ। अब तुम बताओ तुम किस रूप में देखना चाहते हो, राम के रूप में कि कृष्ण के रूप में कि गणेश, किस रूप में। कहा महाराज मैंने कभी आपको देखे ही नहीं, तो मैं कैसे, जो आपका ओरिजिनल रूप है आप उसमें आ जाओ। भगवान ने कहा मेरे बाप यही तो समस्या है, मेरा कोई रूप है ही नहीं, निर्गुण नाम ना रूप। कहा नहीं नहीं आप तो अपने रूप में। बोले फिर वही बात। तो महाराज मनु से भगवान ने कहा कोई तो रास्ता निकालो। तो सुनो महाराज मनु ने बड़ी चतुराई से काम लिया। महाराज मनु ने क्या कहा, महाराज मनु ने कहा कि फिर ठीक है मैंने तो कभी देखा नहीं, और आप बार बार कह रहे हैं जो देखा। तो बोले मैंने नहीं देखा, जिन लोगों ने आपको देखा है पहले हम उन लोगों का नाम बता देते। चलो कुछ तो आसान हुआ, आप उनके नाम बता दो जिन लोगों ने पहले देखा। तो सुनिए महाराज मनु की कितनी पवित्र वाणी। जो स्वरूप बसे शिव मन मान, जो स्वरूप बसे शिव मन मान, जही कारण करा जही
यही कारण मोने जतन कराए। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण जतन कराए, यही कारण मोने जतन कराए। विश्वनाथ के दिल में जिस रूप में आप बसते हो उस रूप में मुझे देखो, और जिस स्वरूप का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा योगी मुनि लोग तपस्या करते हैं उस स्वरूप को देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा ठहरो ठहरो, तुमने दो लोगों के नाम बताए थे, एक नाम और बता। तो मनु जी ने कहा कि मैं दूसरा भी नाम बताता हूँ। जो भुसुंडी मैंने मान से जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी मन मानस हंसा, शगुने अगुने जे निगम प्रसन्नता, शगुने अगुने जे निगम प्रसन्नता, इस रूप में आप भुसुंड जी के मानस सरोवर में राजा हंस बनकर उस स्वरूप में दर्शन कराने की कृपा। और दोनों के इष्टदेव कौन है? इष्टदेव मम बालक राम, इष्टदेव मम बालक राम, स्वभाव पोषे कोटि सत्काम, स्वभाव पोषे कोटि सत्काम, निज प्रभु प्रदान निहारी निहारी, निज प्रभु प्रदान निहारी निहारी, लोचन सुफल लोचन सुफल कराऊं उर्गारी। उस दिव्य रूप का दर्शन कराने की कृपा का आप जिस रूप में भगवान विश्वनाथ को दर्शन देते हो उसी रूप का दर्शन कराने की कृपा करो जिस रूप को भुसुंड जी महाराज अपने हृदय में धारण करते। देखें हम स्वरूप भरी लोचन, अब थोड़ा बहुत नहीं, मैं आपको जी भर के देखना चाहता हूं, जी भर के देखना चाहता हूं। तो नील सरोवर नील मणि नील दर्शन, नील सरोवर नील मणि नील नील दर्शन, लाजे तन शोभा निलके, लाजे तन शोभा निलके, कोटि कोटि सत्काम उसाई, कोटि कोटि सत्काम रोहे नील मणि नील नील दर्शन, कोटि कोटि सत्काम गुसाई, कोटि कोटि सत्काम।